बांदा समायोजित शिक्षा मित्रों के 25 जुलाई को समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्रों ने अपने भविष्य को अंधकार में डूबते हुए देखकर आंदोलन किया था, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद संगठन ने 1 अगस्त को धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। मुख्यमंत्री ने स्थायी समाधान के लिए शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया था, लेकिन 15 दिन का समय बीत जाने के बाद जब शासन की ओर से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकला तो शिक्षा मित्रों ने सत्याग्रह के आंदोलन की शंखनाद करते हुए 17 से 19 अगस्त तक जिले के बीएसए कार्यालय पर आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन की श्रृंखला पर आज बीएसए कार्यालय बांदा में हजारों की तादाद में उपस्थित शिक्षा मित्रों ने राज्य व केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि हमारे जीवन के 17 वर्ष बर्बाद होने के बाद अब हमें अयोग्य घोषित किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों द्वारा घोषणा की गई कि अगर हमारे स्थायी समाधान नहीं किया गया, समान कार्य समान वेतन और सम्मान को वापस नहीं किया गया तो भीषण आंदोलन होगा। लेकिन हमारे दल को कितना भी बयान करें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। हम अपनी भाषा को, क्योंकि हम इस समय सभी अयोग्य बताए जाते हैं और हमारी वार्ता माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी जगह भेजी जा चुकी है, लेकिन किसी प्रकार की वार्ता, सभी प्रकार की वार्ता विफल हो चुकी है। मैं अपनी सत्ता साथी सेवा पर अपने गोरी गर्ल्स